हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पे बात करेंगे, गॉइटर। हिंदी में इसे घेंगा कहते हैं। गॉइटर होता क्या है? जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं हमारे नेक में, यहाँ प्रेजेंट्स होते हैं, उसमें सूजन आ जाना, स्वेलिंग। स्वेलिंग इन द थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड गॉइटर, उसी को गॉइटर बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे T3 T4 हॉर्मोन्स ऐसे सिक्रीट्स करते हैं जो TSH को कंट्रोल करता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स है, ब्रेन्स में प्रेजेंट रहते हैं, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स है। इनका क्या एक्शन होता है, कैसे ये गॉइटर का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, गॉइटर ये कैसे फॉर्म होता है, गॉइटर होता क्या है? जब हमारे इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स के स्टिमुलेट के वजह से थायराइड ग्लैंड के डिमांड जब बढ़ जाते हैं हॉर्मोन्स के, जैसे कि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई हमारे बॉडी में, इसके वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन स्टिमुलेट करता है, ब्रेन से सिग्नल आती है कि थायराइड हॉर्मोन्स को रिलीज करो। इसमें क्या होता है कि बहुत एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। सेकंड, हमारी सेल्फ बॉडी, हमारी सेल्फ इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून डिस्ट्रॉय होने लगती है थायराइड हॉर्मोन्स को, तो स्टिमुलेशन फिर से आता है कि थायराइड ग्लैंड को एक्टिव किया जाए, हॉर्मोन ज्यादा से ज्यादा रिलीज किया जाए, जिसके वजह से थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। उसे ही हाशिमोटोज थायरॉइडिटिस कहते हैं। अब अगर ओवर एक्टिव एक्शन होने लगते हैं तो ये हम पाते हैं ग्रेव्स थायरॉइडिटिस में पाते हैं, जिसमें ओवर एक्टिव ऑफ थायराइड ग्लैंड्स होने लगते हैं। अब चलते हैं कि अगर थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, रीज़न ये है कि अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया जिसके वजह से थायराइड ग्लैंड में सूजन आ गया है, इसके वजह से TSH के लेवल इंक्रीज होने लगते हैं। फिफ्थ रीज़न हम देखेंगे कि अगर आपको थायराइड कैंसर है तो उसमें भी थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आती है। सेवेंथ ये रीज़न है कि नॉर्मली प्रेगनेंसी के टाइम में लेडीज़ में भी ये देखा गया है, किन किन लेडीज़ में, जिसमें प्लासेंटा में ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स को मिमिक करते रहते हैं, जिसके वजह से थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाता है, बट दैट इज़ पार्शियली वो बाद में चला जाता है। सो दिस आर द कॉजेस जिसके वजह से थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। अब चलते हैं कि कितने टाइप्स के गॉइटर होते हैं। फर्स्ट, कोलॉइडल गॉइटर होते हैं। सेकेंड, नोड्यूलर गॉइटर होते हैं, जो भी टॉक्सिक भी हो सकता है, नॉन टॉक्सिक भी हो सकता है। थर्ड है मल्टी नोड्यूलर गॉइटर। सो ये रहे टाइप्स। अब चलते हैं कि हम क्या नोटिस कर सकते हैं। पहले तो आपको सबसे ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी, साथ में आपके वज़न बढ़ जाएंगे या वज़न एकदम से कम हो जाएंगे। ये चीज़ें आपको जब थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आती है तो आपको इंटरनली ये स्टार्ट हो जाता है, आपको महसूस होने लगता है कि आप बहुत वीक हैं। सो प्रॉपर सिम्टम्स अगर हम देखने जाएंगे तो सेल्फ नोटिस कर सकते हैं कि नेक में एक सूजन सा बना हुआ है, किसी किसी को कम स्वेलिंग रहती है, किसी किसी को बहुत बड़ी स्वेलिंग रहती है। सेकेंडली आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप कुछ चीज़ें खा रहे हैं आपको बहुत डिफिकल्ट होता है उसे स्वॉलो करने में ड्यू टू द स्वेलिंग इन द थायराइड ग्लैंड। थर्ड रीज़न आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस आपको खींच के लेनी पड़ रही है क्योंकि इतना बड़ा सूजन है, गले में सूजन आया है, तो उसके वजह से आपको सांस बहुत खींच के लेनी पड़ती है। सो ये रहे कुछ सिम्टम्स। अब चलते हैं हम बाय होम्योपैथिक हम ये कैसे ट्रीट कर सकते हैं गॉइटर को। सो फर्स्ट मेडिसिन एवरग्रीन मेडिसिन है, बेस्ट मेडिसिन है आयोडम 200 पोटेंसी में लेना है आपको। अगर पीपल फूड खा भी रहा है, प्रॉपर फूड्स ले भी रहा है, तो उसके मेटाबोलाइज प्रॉपर हो नहीं रहे हैं फूड्स के, जिसके वजह से आयोडीन की डिफिशियंसी हो रही है, जिसके वजह से गॉइटर उन्हें हो सकता है। सो दिस इज द मेन सिम्टम्स, मेन साइन ऑफ आयोडम 200 पोटेंसी में। सो 200 पोटेंसी में आपको लेना है, चार चार बूंद दिन में 3 बार लेना है। ये मेडिसिन आपको कुछ महीने तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। सेकेंड मेडिसिन कल्केरिया का, कल्केरिया का 200 पोटेंसी में आपको लेना है। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें आप देखेंगे कि पेशेंट है वो फेयर है, फैटी है और फ्लैबी है, एकदम थुलथुला है। इनमें क्या होता है, मेटाबोलाइज का जो प्रोसेस रहता है वो बहुत स्लो रहता है, जिसके वजह से उनकी बॉडी एकदम ओबेज हो जाती है, हैवी स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत थकान महसूस होना। सो ये सारी साइंस है कल्केरिया का 200 पोटेंसी में आपको फिर लेना है।
चार चार बूंद दिन में 3 बार इसे भी लेना है। ऑनजिया टोस्टा 30 पोटेंसी में लेना है। बेस्ट मेडिसिन है अगर आपके थायराइड ग्लैंड में सूजन है जिसके वजह से आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, तो स्पॉन्जिया टोस्टा 30 पोटेंसी में आपको 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेना है। ये मेडिसिन 2 से 3 महीने तक आपको लगातार लेना है। बोथ मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। फ्यूकस मदर टिंचर बेस्ट मेडिसिन है अगर आपके थायराइड ग्लैंड में सूजन है, प्लस ये जो गोइटर है वो नॉन टॉक्सिक गोइटर है, तो फ्यूकस का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेना है, 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेना है आधे कप पानी में। ये मेडिसिन भी आपको 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू करना है। अपना एक्शन धीरे धीरे स्टार्ट करता है, ये नहीं कि आप 10 दिन में 15 दिन में लेंगे तो वो क्लियर आउट हो जाएगा, नहीं। ये मेडिसिन आपको 3 से 4 महीने तक आपको रेगुलर में लेना है। अब चलते हैं दूसरी मेडिसिन के बारे में। अगर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, यंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कल्केरिया आयो 3x पोटेंसी में लीजिए। ये बायोकेमिक मेडिसिन है, 1 टैबलेट थ्राइस अ डे लेना है, 3 बार लेना है। ये भी मेडिसिन आपको 3 से 4 महीने तक लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन इज लाइकोपस मदर टिंचर फॉर्म फॉर टॉक्सिक गोइटर। ये मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेना है, 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेना है। अब चलते हैं ऐसी मेडिसिन जिनसे हमने एक्सपीरियंस किया है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है ये जितने भी मेडिसिन हमने बताए साइंस एंड सिम्टम्स मैच करने चाहिए पेशेंट से। विदाउट मैचिंग ऑफ सिम्टम्स आप ये मेडिसिन उन्हें अगर गोइटर है तो चालू कर दे। कल्केरिया फ्लो 12x एंड कल्केरिया फॉर 6x पोटेंसी, ये दोनों बायोकेमिक मेडिसिन है। ये दोनों मेडिसिन की 4-4 टैबलेट दिन में 4 बार लेना है, और ये मेडिसिन आप 4 से 5 महीने तक लगातार उनका चालू रखिए। उनके बहुत अच्छा रिजल्ट आप देखेंगे और इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी है। सो गाइज, दिस ऑल अबाउट गोइटर के ऊपर एंड होम्योपैथिक मैनेजमेंट, कैसे हम ये मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं गोइटर को बाय होम्योपैथिक। सो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई डिफिकल्टी है आपको, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।